घर से तो निकल चुके हैं, वो है सिद्धवली वाले पुल। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। आप पैदल यात्रा स्टार्ट हो गई है, छीनदेवपुरा प्रसाद फाड़ दिया। गाय भी पहुंच गए भंडारा के लिए। महादेव की नगरी में हम खा रहे हैं इस टाइम पे भंडारा। तो भाई हमारे भाई का एक बच्चा है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइस नई सुबह की नई शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग के बज चुके हैं इस टाइम 9 बजने वाले। आज हम जाने वाले हैं ताड़केश्वर मंदिर। और क्यों जाने वाले हैं, हम पहले भी गए वैसे, मगर इस बार नया मंदिर बना है, काफी बड़ा बना है। जिस टाइम मैं गया था उस टाइम चल ही रहा था पिछले साल, मगर अब तो भाई काफी बड़ा बन चुका है। तो आज हम फिर जा रहे हैं और भाई लोग, मनोज भाई लोग तो मुझे फोन कर रहे थे 9 बजे, 9 बजने वाले हैं। तो अभी मैं पहले नाश्ता करूंगा, उसके बाद ही निकलेंगे हम यहाँ से। तो वो भी रेडी, उनका कॉल आया है, तो सीधा उनके घर जाएंगे और उधर से ताड़केश्वर के लिए चलेंगे। और अभी नाश्ता करते हैं। तो इधर मम्मी अभी नाश्ता बना रही है सुबह सुबह, और ये इधर रोटी बन रही और ये दाल है हरहर की। तो गाइस मैं करता हूँ अभी नाश्ता, उसके बाद मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस भाई मैं तैयार हो चुका हूँ और नाश्ता मेरा हो चुका है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और भाई लोग भाई घर से तो निकल चुके हैं, वो है सिद्धवली वाले पुल पे। तो उन्होंने बोला सिद्धवली वाले पुल पे आ जाओ, तो सीधा सिद्धवली वाले पुल पे ही मिलेंगे। और ये भाई अपना सामान रख लिया, अपना थोड़ा ये किन्नू रख लिया खाने के लिए। तो टाइम भी भाई अब 9:15 हो चुके हैं और टाइम भाई 9 बजे का देर का, तो फ़ोन करने पर लगे मैं दो तीन बार। तो अब निकलते हैं भाई सीधा। और ये अपनी धन्नो भाई ठीक होने के बाद अभी सही चल रही है। तो भाई मैं पहुंच चुका इस टाइम पर सिद्धवली पुल, और ये हमारे साथ मनोज भाई, उनकी भाई ये रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, आपको सबको गुड मॉर्निंग। और ये हमारा सिद्धवली मंदिर सामने, अभी धूप के कारण भाई नज़र नहीं आ रहा होगा ढंग से। तो गाइस एकदम पैक पुक हो गए हम, और आज सिद्धवली, आज संडे, वैसे आज वैसे आज संडे है ना, आज संडे है और भाई वैसे आज भंडारा होता है, मगर आज भीड़ नहीं है भाई, खाली सा लग रहा। तो हम निकलते हैं भाई, भाई लोग भी तैयार है, चलते हैं सीधा। तो भाई सब इस टाइम पे भाई दुगड्डा के पहले ही, अभी तो 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप है और यहाँ पे हमने अभी फ्यूल अप कराया। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे भाई तेल तूल नहीं मिलता, पेट्रोल, तो इधर से फ्यूल अप कराना पड़ा दुगड्डा से ही। तो अब निकलते हैं, इधर भाई लोग भी अपना फ्यूल अप करा रहे हैं इस साइड पर। ठंडू लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडू। ऊपर तो ठीक है मौसम, ऐसे धूप ही धूप हो रही है, नीचे थोड़ा था, इस बीच में इस एरिया में थोड़ा ठंडा है, बीच में पेड़ है ना ज़्यादा ताड़केश्वर के पास। हाँ ताड़केश्वर, वहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, मतलब पेड़ पेड़े बड़े बड़े, तो वहाँ थोड़ी ठंड होगी, मगर आगे जाके तो अभी गर्मी होगी भाई, धूप लगी इधर। तो गाइस सीन ऐसा है, हम पहुँचने वाले हैं फतेहपुर। साथ वाले भाई पीछे रह चुके हैं, तो मैं इधर ही खड़ा हो रखा हूँ। आप देख रहे होंगे भाई, धूप देखो भाई साइड के मस्त। और जिधर से हम अभी कुरदार से आ रहे, तो बीच का इलाका ऐसा है ना कि पेड़ पेड़ है, पहाड़ बड़े हैं, तो धूप एकदम नहीं पड़ती। और इधर तो भाई माहौल ही कुछ अलग है पहाड़ का। इस टाइम हम डाड़ा मंडी भी गए थे ठंड के टाइम, पहाड़ों में भाई धूप लग रही थी और अपने कोरदार साइड कोरा, तो मजा आ रहा भाई इधर। और अभी साथ वाले भी आए नहीं, तो भाई ये लोग भी आ गए इधर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लंच डाउन से, अभी हम थोड़ा 7 किलोमीटर नीचे हैं और यहाँ से हमने जाना है ताड़केश्वर रोड पे। और भाई ये है यहाँ पे सामने ये रास्ता है, ये आपका लंच डाउन चले गया, ये ताड़केश्वर, वो लिखा वहाँ पे 4 किलोमीटर लंच डाउन ताड़केश्वर 33 और रिखनीखाल 49 किलोमीटर। तो भाई मौसम देखो इधर का गाँव का, तो भाई बहुत ही तकड़ा एकदम धूप लगी है साइड पे, ऐसी लग रही ना बहुत तेज वाली धूप। इस टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो चुका है आपका 10:50 और व्यू देखो भाई क्या मस्त हो रखा ना सामने पहाड़ी। और भाई हमने उसी पहाड़ी में भी चले जाना है, उधर धूम हो जाएंगे हम उस पहाड़ी में। तो भाई इस टाइम पे हम यहाँ पे सीएलडी मार्केट पे हैं, इस टाइम पे हम सीएलडी में रुके हैं और भाई यहाँ पे चाय चुई करवा रही है, ये भाई ने अभी चाय करवा दी वहाँ पे, तो चाय चुई पीएंगे उसके बाद जाएंगे हम ताड़केश्वर के आगे। ये है खंतवाल होटल्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ से हमने चाय करवाई अभी। भाई हमारे ये वेटर आए थे यहाँ पे तो भाई हमारे चाय ले अच्छा धन्यवाद भाई। यहाँ से भाई अब थोड़ा सा दूर रह गया ताड़केश्वर, कम से कम 8-10 किलोमीटर है, और मैं इधर ही रुका हूँ बीच रोड पे। और सामने भाई मुझे यहाँ पे ब्रांस का पेड़ मिला, बहुत ही अच्छा लगा भाई, फूल लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भाई ब्रांस का पेड़ देखो, फूल लगे ना लाल वाले, तो ये देखो ये हो रहा है ब्रांस, इधर ही पेड़ है यहाँ पे, एक ये खाली पेड़ यहाँ पे है और पे तो नहीं है, मगर इसमें लगे हुए यहाँ पे फूल इस टाइम। तो भाई ये है यहाँ पे ताड़केश्वर रोड, यहाँ से 5 किलोमीटर है, द्वारिखाल 7 और रिखनीखाल 22 किलोमीटर। आपको ये रास्ता बताया था, यहाँ से ताड़केश्वर 5 किलोमीटर है, रिखनीखाल वाला बोर्ड यहाँ पे। तो गाइस हम ताड़केश्वर पहुँचने ही वाले, बस यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे हम इसलिए रुके हैं, सामने भाई पहाड़ है यहाँ पे मस्त, तो भाई बर्फबारी हो रही, तो वहाँ पे भी सामने साफ इस टाइम पे साफ चमक रहा है, तो आपको दिखाते एकदम बर्फबारी के मजे हो रखे भाई इस साइड पे। इधर तो नहीं है जहाँ मैं, मगर वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैं सोचना इधर है वहीं है ये भाई सामने, ये पड़ी है यहाँ पे बर्फ।
और ये ताड़केश्वर महादेव का मंदिर, अंदर अभी पूजा पूजा कर रहे हैं लोग। तो ये यहाँ पे राजे हैं, देखो इस रूम यहाँ पे धूप धूप जला रहे हैं यहाँ पे, तो भाई हम भी जला लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे सुबह नंदी जी को धूप जलाते हुए पूजा अर्चना करते हुए तो भाई हम आ चुके हैं देवी माता के मंदिर में। यहाँ पे कृपया मंदिर के अंदर धूप ना जलाएं, सीना सो चुका है मंदिर में थे। और यहाँ पे भाई प्रसाद गिरा दिया, बंदर एकदम आए यहाँ पे भाई से छीन के ले गए। और ये महाराज जी है, ये देखो ये लगे यहाँ पे खाने पे भाई साहब, पूरा छीन दिया, पूरा प्रसाद फाड़ दिया हमारा भाई, इन बंदों ने हमारा प्रसाद छीन दिया है भाई। क्यों छीन दिया भाई? यहाँ पे देखो एक कांवड़ रखी है ना, जिस टाइम कांवड़ के लिए गए होंगे या स्टार्ट होगी कांवड़, तो उन्होंने यहाँ पे भाई रखनी स्टार्ट कर दी यहाँ पे। ये पहले की कांवड़ लग रही मुझे, वहाँ तक कांवड़ी कांवड़, तो वैसे भी कांवड़ है, वैसे भी अब स्टार्ट हो चुकी है कांवड़। तो 18 तारीख को भाई शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तो भोले आएंगे हम भी करेंगे तब उसके बाद प्रोग्राम अपना शिवरात्रि का। तो भाई ये है त्रिशूल रूपी वृक्ष, तो यहाँ पे इस तरह से देखो अब त्रिशूल भी रख दिया इस तरह से, और ये है पूरा वृक्ष आपके ऊपर। तो ये ऊपर जाके देख रहे हो आप सामने, देखो ये रहा, ये सामने ऊपर तो त्रिशूल बना हुआ भाई, पूरा पेड़ ऐसे, इसलिए त्रिशूल रूपी वृक्ष है। जहाँ जहाँ नजर आ रही है ना पूरे मंदिर प्रसिद्ध में, यहाँ पूरे देवदार का पेड़ है आपको मैंने अभी दिखाया ना पेड़, त्रिशूल रूपी है पूरा पेड़, ये सब देवदार के पेड़ हैं। इनको देखो ये भाई तीतर बने हुए, इनकी यार उसकी लड़ाई हो रही है, तो खतरनाक हो रहा है एकदम, जहर बन रहा तो भाई यहाँ पे हमारे महादेव के साथ बैठे हैं हनुमान जी, ये देखो कैसे बैठे हैं यहाँ पे टांग के ऊपर एकदम। तो गाइस जिस टाइम मैं आया था पिछले साल, तो भाई उस टाइम पे ये फ्रंट वाला गेट बन रहा था यहाँ पे, जो फ्रंट पे ये वाइट वाला ये बन रहा था, और मंदिर भी उस टाइम बन ही रहा था, और अब काफ़ी अच्छा बन चुका है, और मैं देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है अब तो। और यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया सिद्धपीठ श्री ताड़केश्वर धाम, तो और अच्छा लग रहा है लाइटिंग के साथ, और पेंटिंग पुंटिंग तो बहुत अच्छा लग रही है भाई यहाँ पर आके, और ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है इधर। और हमारे साथ पंगा हो गया, बंदर होगा, छीन ली थी भाई मंदिर के अंदर हम गए थे, और ये बंदर आया भाई, भाई के हाथ से उसने प्रसाद छीन के भाग गया। तो भाई हम जा रहे हैं इधर हो रहा है भंडारा, तो देखते हैं इधर भंडारा करेंगे नहीं तो पंडित जी के साथ ही जा रहे हैं हम भी। तो यहाँ पे भाई भंडारा भी बनता है, जो जो अपने इच्छा से बनवाना चाह रहा है, तो करते हैं भंडारा तब अभी हटा दो। तो भाई गाय भी आ गई यहाँ पे भंडारा खाने के लिए, देखो गाय भी पहुँच गई भंडारा के लिए, और यहाँ पे सभी लोग भंडारा कर रहे हैं। तो भाई हम भंडारे के लिए यहाँ पे बैठ चुके हैं, तो हमें भी अपनी अभी प्लेट मिली है, तो भंडारे का वेट है भाई, मिली है भंडारा, यहाँ पे हमें मिली है पंडित जी की सिफारिश से, हमें भंडारा मिल गया। और भाई ये मिला हमें अभी हलवा, तो भाई हमको आलू और चने मिले, लोटा लेके आया है रोटी भाई। तो भाई महादेव की नगरी में हम खा रहे हैं इस टाइम पे भंडारा ताड़केश्वर में, कैसा हो रहा है भाई? ने तो भाई खा लिया, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त। तो भाई अब भंडारा करते हैं, तब मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये कुंड ये रहा, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भाई इस प्रकार से, इस कुंड का जल श्री ताड़केश्वर महादेव जी पर चढ़ता है, यहाँ नहाने की चेष्टा ना करें। और एक कुंड यहाँ पर भी है, तो ये महिला स्नान गृह है, और ये पूरा यहाँ पे स्नान गृह है इस तरह से यहाँ पे। तो गाइस हमने यहाँ पे भंडारा कर लिया है, और काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पर धर्मशाला ही, आप यहाँ पर कोई भी आके यहाँ पर भंडारा करा सकता है, और बर्तन बुर्तन की सुविधा आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, सिर्फ आपको राशन लेके आना है और यहीं बनवाना है। तो गाइस यह है धर्मशाला, और यहीं भाई खाना खुना बनता है आपके भंडारा, और यहीं फिर बैठ के भंडारा हो सकता है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पार्किंग पे, और यहां से अब निकलते हैं, बीच बीच में रुकेंगे कहीं, सिनेमैटिक शॉट लेंगे वहां पे, और अपनी रील बनाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं भाई। मैंने यहाँ भेज दिया इनको जरा पानी की, भाई कोई नहीं, पानी की बोतल लेना है, और ये भाई संतरे जो नीचे फेंक दिए हमारे जगह से लाए हैं, ये देखो नहीं। और इधर ये मियाँ जी यहाँ पे लगे, ये यहाँ पे लगे हैं भाई चलो। अपना सेब खाने पे, और ये और पोट रही है, ये अंगूर है, ये सेब है, और ये आगे भाई संतरे, और ये मेरी पानी की बोतल, और इधर व्यू देख लो भाई क्या मस्त हो रहा है ना। और यहाँ पे पॉइंट है भाई, ये पत्थर वाला, ये लवर्स पॉइंट भी लिखा कुछ यहाँ पे, सचिन
और शिवानी, ये देखो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप क्या क्या है भाई। हम जा रहे हैं कोटद्वार और सामने भाई हम यहाँ पे बैठे हैं और हमने यहाँ पे लगाई है चाय अपने लिए, तो चाय चुई पीते हैं उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हमारे भाई को एक बच्चा मिल गया था, मेरा छोटा बच्चा, उसकी मम्मी मिलने वाली है और उसकी मम्मी जा रही थी इधर फोटो खिंचवाने के लिए, तो तब हम इधर अभी शूट कर रहे थे यहाँ पे, पानी की शॉट ले रहे हैं स्लोमो और इधर भाई को बच्चा थमा दिया है और वो अपने फोटो सेशन कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मोना घर, लास्ट टाइम पे पी रहे हैं भाई चाय चुई सबके साथ, हेलो चाय पी रहे हैं। और गाइस आई होप आपको यार ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।